हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ किचन के कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर कर रही हूँ जो आपके रोज़मर्रा के काम को बेहद ही आसान बना देंगे और आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी। दोस्तों, आप मेरी वीडियो किस शहर किस देश से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं पहली यूज़फुल टिप। दोस्तों, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने अचार की बरनी में प्लास्टिक के चम्मच का इस्तेमाल करते हैं या फिर स्टील के चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। आप देखते होंगे कि स्टील के चम्मच का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है और प्लास्टिक भी हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है। तो जब भी आप अचार में कोई चम्मच डालिए तो इस तरह के लकड़ी के चम्मच का इस्तेमाल करिए। लकड़ी के चम्मच से अचार बहुत ही आसानी से निकल जाता है और जो भी इसमें मॉइस्चर होता है वो लकड़ी सोख कर लेता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक नहीं होता है। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई। दूसरी टिप के लिए हमें ले लेना है एक बॉटल और इसके बॉटम के पार्ट को कट कर लेना है। तो मेरे पास इस तरह का कटा हुआ बॉटम का पार्ट बोतल का पड़ा हुआ था, तो मैं इसका इस्तेमाल करके आपको बताती हूँ। अब इस बॉटम वाले पार्ट पर हमें थोड़ा सा नमक डाल देना है, लगभग 2 से 3 चम्मच। तो इसके लिए हमें सीधा नमक का इस्तेमाल करना है और उसी के साथ हमें ले लेना है कोई सा भी एंशियंस ऑयल। अब नमक और तेल को हमें हल्का सा मिला लेना है। अब इसका इस्तेमाल करेंगे हम अपने वार्डर रोप पर। वार्डर रोप पे कपड़े रखते रखते इसमें से एक स्मेल आने लगती है। अब तो बरसात शुरू होने वाली है, ये समस्या बरसात के दिनों में बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इस तरह से आप नमक में ऑयल डाल के अपने वार्डर रोप पर रख देंगी तो ये समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। कपड़े से ना तो ही स्मेल आएगी, ना ही इसमें फफूंदी लगेगी और ना ही कोई कीड़े वगैरह कपड़े में लगेंगे। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं दूसरी टिप। दोस्तों, इस तरह के पेपर बैग अधिकतर हमें मार्केट में ढेर सारे मिल जाते हैं और हम इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं, मगर इसे फेंकने की बजाय आप इसका ऑर्गेनाइजर बनाकर रख लीजिए। ये आपके किचन में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो आप पहले ऊपर के हिस्से को कट कर दीजिए और दोनों साइड के हिस्से को कट कर दीजिए। दोस्तों, किचन में अधिकतर पानी तेल वगैरह गिरता रहता है, जिसके लिए हम अपने किचन के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे किचन के कपड़े तो गंदे होते ही हैं, उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लगती है जिसे साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप इस तरह के पेपर बैग के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। देखिए, इस तरह से मैंने इसे पहले लंबा कट कर लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे पीस निकाल लेंगे। अब इस पीस को हमें एक डब्बे में स्टोर करके रख देना है। ये पेपर बैग आपको किचन के अलावा भी बहुत ही काम आएंगे। तो मैं इन छोटे छोटे टुकड़ों को एक डब्बे में स्टोर करके रख लेती हूँ और जब मुझे ज़रूरत होता है इसमें से एक पीस निकालती हूँ और यूज़ करके फेंक देती हूँ। इससे हमारा किचन क्लॉथ भी गंदा नहीं होता है, जिससे हमारा काम भी नहीं बढ़ता है। कभी कभी क्या होता है, किचन काउंटर पर तेल गिर जाता है, पानी गिर जाता है, जिसे जब हम साफ़ करते हैं तो हमारा किचन क्लॉथ गंदा हो जाता है। तो जब भी आपके किचन काउंटर पर कोई चीज़ गिरे, आप इसमें से एक पीस पेपर बैग का निकालिए और उसे पोंछ दीजिए। उसके बाद आप इसे फेंक दीजिए। आगे मैं इसका प्रयोग और भी आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो देखते हैं दूसरी टिप। दोस्तों, जब हम मूंगफली भून लेते हैं तो जब इसके छिलके उतारते हैं तो छिलके उतारने से हमारा किचन काउंटर गंदा हो जाता है, क्योंकि इसे हम छिलते हैं फिर इसे हम फटक कर इसमें से मूंगफली अलग करते हैं। तो उसकी बजाय आप इस तरह से नेट का बैग ले लीजिए। इस तरह का बैग आपको अधिकतर ग्रॉसरी की दुकान पर मिल जाता है या फिर सब्जी फल वगैरह जब आप लाते हैं तब इस तरह के नेट बैग आपको मिल जाते हैं। तो आप अपने सभी मूंगफली को इस नेट बैग में डाल दीजिए और ऊपर से एक गांठ लगा दीजिए। अब आप दोनों हाथों से इसे मसलिए। इस तरह से करने से आपका किचन काउंटर भी गंदा नहीं होता है और मूंगफली भी बहुत ही आसानी से छिल जाती है। अगर एक दो दाना गिर रहा है
तो वो भी छिलकर ही गिरता है और इस तरह से हाथों से मसलने से छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। देखिए आप बैग में ही देख रही होंगी कि मूंगफली के दाने बहुत ही आसानी से निकल गए हैं। इसमें से कोई भी मूंगफली ऐसी नहीं बची है जिसमें छिलका लगा हुआ हो। और देखिए छिलका अलग हो गया और मूंगफली के दाने बिल्कुल अलग हो गए। इससे आपका किचन काउंटर भी गंदा नहीं हुआ और आपका काम भी बहुत ही आसान हो गया। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो देखते हैं दूसरी टिप। इस टिप के लिए हमें एक बाउल में एक दिन के बराबर कोलगेट का पेस्ट ले लेना है। आप तो जानते ही होंगे कि कोलगेट कितनी अच्छी तरह से क्लीनिंग का काम करता है। और इसी के साथ हम ले लेंगे वाइट विनेगर जो हम चाइनीज़ खाने में इस्तेमाल करते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को हमें ब्रश की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसका इस्तेमाल हम करेंगे अपने फ्रिज के रबड़ को साफ़ करने के लिए। दोस्तों जब फ्रिज का रबड़ गंदा होता है तो वो बिजली बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो टाइम टू टाइम आपको अपने रबड़ की सफाई करते रहने चाहिए। अब इस सॉल्यूशन को ब्रश में लगाकर आप रबड़ पर लगा दीजिए। बहुत से लोग रबड़ को नुकीली चीज़ों से साफ़ करते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। नुकीली चीज़ों से साफ़ करने से रबड़ फट सकता है, तो आप इसे मुलायम चीज़ों से ही साफ़ करिए जैसे मैं ब्रश से साफ़ कर रही हूँ। ब्रश से ये आसानी से साफ़ भी हो जाता है और रबड़ फटता भी नहीं है। तो आप पूरे रबड़ पर इस कोलगेट और विनेगर के पेस्ट को लगा दीजिए। इसे पूरे रबड़ पर लगाने के बाद थोड़ी देर इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसे सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए। आप देखेंगे रबड़ पे जो भी गंदगी थी वो पूरी तरह से साफ हो गई है। तो जब भी आपके फ्रिज का रबड़ गंदा हो गया है आप कोलगेट और विनेगर की मदद से इसे साफ़ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं दूसरी यूजफुल टिप। दोस्तों जब कभी हमें अचानक बाहर निकलना पड़ जाता है और हमने ढेर सारा दूध लेकर रखा हुआ है जिसके इसके ख़राब होने का डर हो जाता है, क्योंकि जब हम बाहर रहेंगे तो इसे बार बार कौन गर्म करेगा, तो उसके लिए मैं आपके साथ छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ। अगर आपको बाहर जाना हो तब आप इस दूध में 2 छोटी इलायची डाल दीजिए। अब आप निश्चिंत होकर बाहर जा सकते हैं। अब ये दूध लंबे समय तक बिना गर्म किए ख़राब नहीं होगा। आप जब आएंगे तो देखेंगे दूध बिल्कुल वैसे का वैसा बना हुआ है। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देखते हैं दूसरी टिप। दूसरी टिप मशीन को लेकर है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जब हम सिलाई करने चलते हैं तो सिलाई अच्छे से नहीं होती है, धागा लंबा लंबा आने लगता है या फिर धागा खींचने लगता है, जिससे हम क्या करते हैं कि सुई को चेंज कर देते हैं। तो सुई को चेंज करने की बजाय आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। आप ले लीजिए इस तरह के पैकेट जिसमें अंदर सिल्वर फॉयल की तरह लगा हुआ रहता है। तो मेरे पास इस तरह के नमकीन के पैकेट पड़े हुए थे जिसके अंदर सिल्वर फॉयल लगा हुआ था, तो इसे मैंने खोल लिया है। अब इसे हम डबल कर देंगे। अब इसके ऊपर हम सिलाई चलाएंगे। जब आप इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आपके मशीन में प्रॉब्लम आ रही थी वो पूरी तरह से सही हो गई है। आप इस पैकेट पे 2 से 3 बार सिलाई चलाइए। आप देखेंगे कि आपके मशीन में जो भी प्रॉब्लम थी वो सही हो गई है। तो मैंने इस पर 1 बार चलाया है, देखिए मशीन की सिलाई बिल्कुल सही हो रही है। अगर आपके पास इस तरह का पैकेट नहीं है तो आप दवाई के रैपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इस तरह के रैपर होते हैं। आप इस पर सिलाई चलाकर देख सकते हैं। मेरे इस दवाई के पैकेट में दवा था इसलिए मैंने इस पर मशीन नहीं चलाया है। अगर आपके पास दवा का रैपर भी ना हो तो तब आप इसकी जगह सिल्वर फॉयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देखते हैं दूसरी यूजफुल टिप। दोस्तों जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनके घर में ये चीज़ें अधिकतर होती हैं। बच्चे मेकअप के सामान से खेलने लगते हैं और अधिकतर क्या होता है वो लिपस्टिक से शीशे पर निशान बना देते हैं और जब इसे हम साफ़ करने जाते हैं तो ये आसानी से साफ़ नहीं होता है। देखिए जब मैं इसे हाथ से साफ़ कर रही हूँ तो ये फैल जा रहा है, और जब मैं इसे कपड़े से भी साफ़ कर रही हूँ तो भी ये आसानी से साफ़ नहीं हो रहा है। देखिए ये कितना फैलता जा रहा है जिससे शीशे पर दाग पड़ जा रहा है। तो आप ले लीजिए
पेपर बैग का एक टुकड़ा, जिसका मैंने पहले भी वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो आप इसका इस्तेमाल यहाँ पर भी कर सकती हैं। अब इसके ऊपर आप डाल दीजिए 2 से 3 बूंद कोकोनट ऑयल। अब इस कोकोनट ऑयल की मदद से आप अपने शीशे को आसानी से साफ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल से मेकअप बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाता है। जब हमारे पास मेकअप रिमूवर नहीं होता है तो हम कोकोनट ऑयल से अपने मेकअप को रिमूव कर लेते हैं। तो आप कोकोनट ऑयल से इस शीशे को साफ़ करेंगे तो शीशा पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा, इसमें कोई भी दाग धब्बा नहीं रहेगा। आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। तो देखते हैं दूसरी टिप भी मेकअप को ही लेकर है। दोस्तों, जब हम नेल पेंट लगाते हैं तो कभी कभी हमारे साथ होता है कि नेल पेंट कपड़े पर गिर जाता है। तो जब नेल पेंट कपड़े पर गिर जाए तो इसे आप थोड़ी देर सूखने के लिए रख दीजिए। जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तब आप इसके ऊपर डाल दीजिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के साथ ही आप इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा नींबू का रस। बेकिंग सोडा और नींबू का ऐसा रिएक्शन होगा कि नेल पेंट का दाग पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा। अब आप इसे 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। 5 मिनट के बाद आप इसे साफ़ करिए। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि दाग पूरी तरह से साफ़ हो गया है। आप इसकी जगह डिटॉल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। आपको मेरी कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।